आ जाओ दीदी, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। अरे तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? हम पकड़े जाएंगे, किसी और का बाग है ये। तुम आम चोरी करने आई हो यहाँ पे? यार आप बहुत ज्यादा ही बोलते हो, चुप हो जाओ। पकड़े गए तो कितनी बेइज्जती होगी, अरे आम खरीद भी सकते हैं हम। पागल हो क्या, यहाँ पर फ्री के आम है, खरीदेंगे तो महंगे पड़ेंगे, पैसे बचाना सीखो। अगर बेइज्जती होगी फिर? और चिल्ला क्यों रहे हो, धीरे बोलो ना, माली आ जाएगा। अरे कोई है ही कहाँ यहाँ पर, तभी तुम चोरी करने आई हो। अरे अरे अरे, तब तक वो सो रहे तब तक हम सारे आम तोड़ लेते हैं। हाँ चलो, पन्नी कहाँ है? पन्नी तो मैंने लाई, भैया लाए। भैया पन्नी दो, पन्नी दो। पन्नी तो मैं घर पर भूल कर आ गया। काम अब यही हमारे काम आ सकता है दीदी। हाँ सूट में लेके जाएंगे, और तुम भी अपनी ये उठा लेना कपड़ा ऐसे। हाँ और अपनी जेब में भी, फोन सारे फेंक दो यहाँ। हम क्या भीख मांग रहे हैं यहाँ पे? चिल्ला क्यों रहे हो, अपनी बहन और मम्मी से कुछ सीखो, कंजूसी कैसे कहते हैं। कि क्या बोल रही हो? मतलब कितनी अच्छी बात है, कंजूसी भी कभी कभी करनी चाहिए इनकी तरह। आ जाओ। हे भगवान, अगर फंसवाओ तो इन दोनों को ही फंसवाना, मुझे बचा लेना। दो दो तोड़ो तोड़ो। क्या कर रहे हैं तुम, क्या कर रही है? पत्ते उठाने आए हो क्या? अरे पत्ते नहीं डार्लिंग, देखो कुछ आम नीचे भी पड़े हुए हैं। नीचे के छोड़ो, भी ऊपर के उठाओ, जल्दी आओ। सुनो ये आम कुछ ज्यादा छोटे नहीं है, इनसे बड़ी तो कच्चा आम वाली टॉफी होती है। दो इधर, काम आएंगे ये भी। ये क्या काम आएंगे, ना इनको खा सकते हैं ना इनका अचार बना सकते। जो आप चटनी खा के छटकारे लेते हो ना, इन्हीं से बनती है वो। कुछ पता भी है आपको चटनी किससे बनती है किससे नहीं? बस खाना आता है। सुनो तुम्हारे इस लालच के चक्कर में ना हम लोग ही चटनी ना बन जाए यहाँ पे। चुप रहो, चुपचाप तोड़ो। भाभी उधर चलो, उधर थोड़े बड़े हैं, ये ज्यादा छोटे हो गए, उधर चलो। हाँ चलो। अरे यार जोर लगा के, चलो 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 चलो। कितनी भारी है ये दीदी। चढ़ो भाभी चढ़ो। वो कहाँ है, वो भी आते तो अच्छा रहता, अगर मैं गिर गई तो। पता नहीं कहाँ पत्ते बटोर रहे हैं भैया, क्या हो गया उनको, किसी काम के नहीं है, माली ना उठ जाए सच में। भाभी उधर देखो, उधर बड़े। हाँ उधर जाती हूँ मैं, आराम से जाना, आराम से। हाँ नहीं मैं हाथ पैर तोड़ो, सारा काम मुझे करना पड़े। हाँ 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 आराम से जा रही हूँ मैं, लेके आती हूँ उधर से। हाँ हाँ हाँ। यार यहाँ पर तो बहुत सारे आम है, लेकिन ये तो बहुत ऊपर ऊपर है, कैसे तोड़ूंगी इनको। एक काम करती हूँ, नीचे उतरती हूँ और पत्थर मारती हूँ, थोड़ी इनकी डाल भी नीचे आ जाएगी, फिर तोड़ लूंगी आराम से। नहीं यार ये तो डाल भी बड़ी कच्ची है, मैं तो गिरी जाऊंगी। चलो उतर जाती हूँ दीदी। हाँ हाँ भाभी आ जाओ, जंप करो जंप करो। जंप करूं कैसे, जंप करूं, इतनी ऊपर से नीचे गिर जाऊंगी मैं। इतना नहीं ऊपर नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, अरे आओ ना, आप मुझे पकड़ो, आप मुझे पकड़ो। हाँ आ जाओ आ जाओ, पीछे आओ पीछे आओ। अरे ये डाल कितनी कमजोर लग रही है। डाल कमजोर नहीं है, आपका वेट बहुत ज्यादा है। मेरा वेट ज्यादा है? छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वहाँ पर आम बहुत मोटे मोटे हैं, लेकिन तोड़ेगा कौन? मैं गिर जाती दीदी अभी। आराम से आराम से आराम से, हाथ दे दो। अरे ये भी नहीं मिल रहा है, ये अपनी हड्डियां टुड़वाएगी और सारा काम मुझसे करवाएगी। आज तो डार्लिंग खुश हो जाएगी, मेरे से इतने सारे आम ले जाऊंगा मैं। अरे बाप रे, लगता माली है। अरे भागो भागो, ये इनकी आवाज है, ये कहां चिल्ला रहे हैं भैया? मर गया, जल्दी चलो। क्या हुआ? वो माली, माली इधर ही है, सो रहा है। अभी मैं माली के पास तक पहुंच गया था, अभी मर जाते हम लोग सब। अरे भैया तुम उसको चिल्ला चिल्ला के जगा दोगे क्या? सो रहा है, हमें भी पता है। हाँ हमें पता है, मैं सो रहा था, अभी तो हमें पता है। अब मुझे उठाओ, मैं गिर जाऊंगी। अच्छा अच्छा, तुम इतनी ऊंचे पेड़ पे चढ़ भी गई? हाँ डार्लिंग, इतने रुपए हमारे बचेंगे नहीं, जितने का इलाज हो जाएगा अगर यहाँ से गिरी तो। नहीं गिरूंगी मैं, मुझे आता है, एक्सपीरियंस है मुझे, पता नहीं है। चलो चुपचाप आम तोड़ो हमारे साथ। अरे कितने कम आम तोड़े और तोड़े तो तोड़े, मेरा सूट ही खराब हो गया आम के चक्कर में। देखो सेल लगे और ये जाएगा भी नहीं। अरे सूट तो कभी भी आ सकता है आपके पास, आम तो सीजनल है, और सबसे बड़ा आम मैंने तोड़ा है, आप दोनों कर क्या रहे हो? अरे मैं तो आम गिन रहा हूँ, तेरा आम तो मेरी डार्लिंग ने तोड़ा है। सबसे बड़ा आम आपने तोड़ा है, इससे बड़ा मुझे तोड़ना है। मुझे भी बहुत बड़े बड़े आम दिखे, पता है आपको, उस पेड़ पर। डार्लिंग आप चलो ना पेड़ पर। मैं कैसे चढ़ पाऊंगा, मेरे को थोड़ी ना पेड़ पे चढ़ना आता है, मैं कोई बंदर थोड़ी हूँ। भैया जितने बड़े आम टूटेंगे उतना ज्यादा हम कुछ बना सकते हैं आम का। चढ़ो चढ़ो चढ़ो। अरे अगर वहाँ से गिर गया तो कितना खर्चा आ जाएगा ना? अरे खर्चा क्या आएगा, भूल गए इंश्योरेंस रखा है तुम्हारा? हाँ हाँ सही बोल रही है भाभी, कुछ तो पैसा मिलेगा हमें। जाओ जाओ, रिस्क की कोई बात नहीं है, हम है आम से बढ़कर कुछ नहीं अभी। हाँ और मोटे मोटे तोड़ना, जल्दी जल्दी इससे बड़े बड़े तोड़ना, ये तो कुछ नहीं है। मेरे पास एक सुपर आइडिया है, क्यों ना हम ऊंचे वाले आमों को पत्थर मार मार के गिरा दे। पत्थर कहाँ, यहाँ पे तो कोई पत्थर ही नहीं। अरे हम इनका यूज कर सकते हैं ना पत्थर की तरह। अरे खराब नहीं हो जाएंगे? अरे इनको तो मैं दोबारा उठा लाऊंगा ना, लेकिन अगर आम बड़े बड़े हमें मिल गए तो सोचो, है ना? हाँ भैया सही बात है। चलो चलो दो ये आम तो मुझे दो, चलो तोड़ते हैं। ठीक है वाले तोड़ेंगे, आ जाओ आ जाओ, लाओ लाओ। ये क्या कर रहे हो, निशाना कितना खराब है आपका, भूल गए हो? मैं मार रही हूँ, मेरा निशाना अच्छा है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे आम गिरेंगे उठाने जाना है ना दीदी? ठीक है ठीक है, उस पर मारो उस पर मारो उस पर।
अरे मैंने क्या रहा, लगता है कोई आम तोड़ रहा है। ये आम चोर, लगता है फिर से आम चोर आने आ गए। आज नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं। दीदी वो माली आ रहा है इसी तरफ। ओह नो, क्या करें क्या करें, भागो जल्दी। अरे भागेंगे तो पकड़े जाएंगे। कुछ प्लान बनाओ जल्दी, बनाओ अपने चालाकी वाले दिमाग से कुछ प्लान बनाओ। हाँ मेरे पास एक आईडिया है, आम छोड़ दो इधर ही। हाँ आने दो, मेरे पास एक प्लान है। क्या चल रहा है यहाँ पे, आम चोरी करने आए हो? नहीं आम चोरी करने हम क्यों आएंगे, आप माली हो ना? नहीं नहीं खेलने आया हूँ, माली हूँ मैं। हम आप ही बता दो। हाँ आम चोरी करते हुए? नहीं नहीं भैया भैया, हम लोग ना यहाँ से निकल रहे थे, इतने में हमने देखा वो लड़का चुपचाप जो आम बीन रहा है वहाँ पर, वो चोरी करने आया है यहाँ पर। उसको पकड़ लो रंगे हाथ, मुर्गा बना के रखना और छोड़ना मत उसको आज। हम तो आपको ढूंढ रहे थे उसको दिखाने के लिए। हाँ अच्छा, आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, आपने चोर को पकड़वाया। पीछे जो आम रखे हैं ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट, और ये भी, उसको तो मैं बताता हूँ अभी। हाँ हाँ छोड़ना मत, मुर्गा बनवाना। ठीक है। अरे यार ये तो गया, चलो हम जल्दी से आम लेते हैं और निकलते हैं। हाँ चलो 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 चलो, जब तक ये आए तब तक हम निकल जाते हैं। चलो चलो चलिए। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज तो बहुत सारे आम मिल गए, दोनों खुश हो जाएंगी। अरे कौन है वे, क्या तू भी आम खाएगा क्या ये? अरे आप तो सो रहे थे ना अभी। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था, इतने सारे आम यहाँ पे गिरे हुए थे, मैंने सोचा आपके लिए ले आता हूँ। हाँ थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दे। चल चल खड़ा हो। अरे भाई आप तो हाथ पाई क्यों कर रहे हो भाई, खड़ा हो। अरे रुको ना। चलो दीदी। कौन इनका तो मुर्गा बनाने वाले। What? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अभी चलते हैं, थोड़ा सा इनको भी बताएंगे कि हम सेफ है। इनको भी टेंशन हो जाएगी ना कि हमें क्या हुआ है क्या नहीं। चलो आ जाओ। चलो सही से बन भाई साहब, सही से बन। हाँ बन। हे भगवान मुंह लाल हो गया मुर्गा बन बन के। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत नेक काम कर रहे हो भैया आप। ये तो इन दोनों की आवाज है, ऐसी इनके साथ करो। मैंने पहले ही कह दी थी चोरी करना गलत बात है। हाँ, है ना दीदी? हाँ। बोल रहे थे नहीं नहीं क्या हो गया, पैसे बचेंगे, कंजूसी कर रहा था ये आदमी, हद होती है। आम इतने ही प्यारे तो बाहर से खरीद ले, चोरी क्यों करते हो? Oh, no! कितनी बेईमान है दोनों, इनको तो घर जाके बताऊंगा। अरे मैडम टेंशन मत लो, इसका तो ऐसा इलाज बांधूंगा ना, चोरी करना ही भूल जाएगा। ठीक है, मगर ज्यादा मारना मत इनके बम में वरना सूझ जाएगा, ऐसी रखो। सही है, चले सही कर रहे हो भैया, सही कर रहे। देखो हमने कितना अच्छा काम किया, इसलिए हमें फ्री के आम दिए भैया ने। हाँ तू मुर्गा बन। चलो ठीक है भैया जाते हैं। ठीक है भैया, ज्यादा मारना मत। यार भैया तो सच में फंस गए, मैं भी वही सोच रही हूँ, कुछ ज्यादा गलत नहीं कर दिया हमने? हाँ यार, मगर कोई बात नहीं, इनका क्या है अगर हमें मुर्गा बनाते या मुर्गी बनाते तो हमारी बैंडी बचानी थी, इनको बना है थोड़ा वर्कआउट भी हो जाएगा, वैसे भी कितने आलसी हैं आपको पता ही है। चलो चलो हम घर में आम की चटनी बनाते हैं, और जब ये आएंगे इनको खाना दिखेगा तो ये वैसे भी खुश हो जाएंगे। हाँ चलो। वाओ, अरे भाई साहब और कितनी देर मुर्गा बनाओगे? क्या जब तक अंडा नहीं दे दूंगा तब तक छोड़ोगे नहीं क्या? हाँ अंडा तो तू देगा, चल बन जा मुर्गा। अरे अगर अंडा ही दिलवाना था तो मुझे मुर्गा नहीं मुर्गी बनाते। बंदा मारू। अरे रुको रुको रुको।